लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण कुमार बुद्धि शिवलीबाड़ी पूरा पंचायत के झिलिया का पानी दर्जनों घरों में प्रवेश की खबर मैथन रोड निवासी कॉमरेड मुन्ना यादव से मिली। इससे दो दिन पहले पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने ओवरब्रिज के अधिकारियों को निर्माणधीन ब्रिज के पिलर के नीचे की मिट्टी हटाने को कहा था, लेकिन अभी ब्रिज निर्माणकर्ता द्वारा यह काम नहीं किया गया था। मासस के समर्पित कार्यकर्ता मासस चिरकुंडा उपाध्यक्ष श्री रामजी शर्मा के साथ ओवरब्रिज के पास ऑफिस में पहुंचकर साइट इंचार्ज से पूर्व विधायक चटर्जी से दूरभाष पर बात करवाया गया। चटर्जी ने उन्हें फटकार लगाते हुए इसे जल्द से जल्द पोकलेन की व्यवस्था पर मिट्टी हटाने का निर्देश दिया। वहीं अधिकारियों ने मिट्टी हटाने के लिए आज रात का समय मांगा है। क्या देखें? नहीं, अभी तो फिलहाल जो है ओवरब्रिज बन रहा है कुमारडुबी में, जिसमें पिलर बनाने के दौरान कुछ ब्लॉकेट की गई, उसको इमीडिएटली हटाने के लिए कहा गया, क्योंकि ब्लॉकेट होने से ही पानी बैक फ्लो करेगी और फिर बाढ़ आ जाएगी। इसको छोड़कर भी झीलिया में हमने सीओ को कहा है, जो झीलिया में जो कुछ जगह पर अपलोड किया जा रहा है, तो उसको इमीडिएटली जाँच करके अपना उपायुक्त को रिपोर्ट दे, जो कल के दिन झीलिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो नदी नाला की ज़मीन पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों को भी हम समझते हैं, जो मतलब जिला प्रशासन को इमीडिएटली जांच करके झीलिया को एकदम क्लियर रखना। झीलिया का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे हम लोग भयभीत हैं। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी आए थे यहाँ परसों रोज, उसके बाद में भी जो है आए, लेकिन आश्वासन देकर के गए हैं। अब देखिए काम क्या करते हैं, बोले हैं कि जो है सफा सफाई करवाएंगे। आरी जो है आपका ओवरब्रिज वाला माटी जो है दुनिया का भर दिया है झिलिया में, अब कब डूब जाएगा घर दुबार कोई ठीक नहीं है। हम लोग तो पूरा भयभीत हैं, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ, तो कोई उपाय चारा है नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग को साफ सफाई होना चाहिए, ये सब करवाना चाहिए, अगर नहीं होता तो हम लोग डूब जाएंगे और क्या। के तीन दिन पहले माननीय पूर्व विधायक निरसा ने, माननीय अरूप चटर्जी जी ने इस झिलिया नदी के बाढ़ का निरीक्षण किया था। उनके साथ साथ हम तमाम यहाँ के ग्रामीण जो है जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं, हम लोग सारे लोग थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो ओवर ब्रिज का निर्माण कर रहा है उस कंपनी को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो है भी दो गो पिलर का काम तत्काल बंद कर दीजिए, और जो भी पिलर के बगल में मिट्टी से ऊंचा किए हैं उसको सफाई कर दीजिए। लेकिन अभी तक जो है वो रेलवे में का ओवर ब्रिज जो बन रहा है, ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके जो है अधिकारी अब के कानों में अभी तक जून तक नहीं रहेगा है। अभी तीन दिन हो गया है, आप देख सकते हैं हम लोग किस स्थिति में है। अब 10-15 मिनट में हम लोग घर में पानी घुसने वाला है। अभी तक जिला प्रशासन से भी कहा गया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जिला प्रशासन की भी अभी तक नींद जो है नहीं टूटी है, और लोकल प्रशासन भी हम लोगों का सूझबूझ लेने अभी तक नहीं आया है। हम लोग जो है 10 मिनट में जो है हम लोगों की स्थिति काफ़ी भयानक हो जाएगी। अब बताइए हम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।